नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट AFI स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स का CBT एग्जाम का डेट रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों AFI स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का CBT का एग्जाम कुछ कैंडिडेट्स का 30/10/2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फिफ्थ में, और कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम 31/10/2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा फिर फर्स्ट फिफ्थ में। और दोस्तों बाकी पोस्ट जो मैंने आपको बताया, इन सभी पोस्ट का एग्जाम 31/10/2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फिफ्थ में। दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का PT और PST तो क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आपका बचा हुआ है CBT एग्जाम और मेडिकल टेस्ट। तो देखिए, आप CBT को क्लियर कर लीजिएगा तभी आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप CBT को क्लियर नहीं करते हैं तो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और दोस्तों आप CBT एग्ज़ाम में अपना 100% दे दें, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आप जो अफकोर करेंगे CBT एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप अपना 100% दे दें। देखिए, सिलेबस के टॉपिक्स को आप जितने कवर किए हैं अब तक उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। PYQs को निकाल के देखिए, हो सके तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन PYQs को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पोस्ट में कितने लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि आप पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा और एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, और कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और आप टाइमली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो एग्ज़ाम में भले ही आप फोल्ड कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, बट देखिए अचानक आप फोल्ड करने जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो दोस्तों आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम PYQs को निकाल के फोल्ड कीजिए टाइमली। जो टाइम ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, उस टाइम के अंदर आप क्वेश्चन को फोल्ड करने का कोशिश कीजिए। ओके, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम का तो बात हो गया, अब एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस गिवन रहता है उसको आपको केयरफुली रीड एंड कॉपी करना है। देखिए, आप FFE CGL में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा। देखिए, जो जो कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टाइम में नहीं पहुंचते हैं और रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर आप जो टाइम मेंशन किया गया है 1 मिनट भी लेट करते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में इंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह का मिस्टेक ना करें। और देखिए, कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होता है, एडमिट कार्ड के अलावा आपको ID के प्रूफ के तौर पे वोटर UID मीन आधार कार्ड, वोटर ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। अगर आप इनमें से एक आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह का मिस्टेक गलती से भी ना करें, क्योंकि आप PT और PST निकाल लिए हैं और देखिए आप बिना एग्ज़ाम दिए आ जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो आप इस तरह का मिस्टेक ना करें, ठीक है दोस्तों। और देखिए, जब भी एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको ये बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और आपके दोस्त का भी PT और PST क्लियर करने के बाद लिस्ट में नाम आया हुआ है तो दोस्तों उसको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो नहीं शेयर करेंगे तो आप कम से कम बता दें उन्हें कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। ओके दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।